हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों निकल चुके हैं रोड ट्रिप पर, बोल सकते हैं शॉर्ट रोड ट्रिप है। शॉर्ट तो नहीं, फिर भी 500-600 किलोमीटर की दूरी हम टोटल रोड ट्रिप में ट्रेवल करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, पहले हम जाने वाले हैं इंदौर से मांडव, मांडव से जाएंगे महेश्वर, महेश्वर से जाएंगे ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर से जाएंगे जहाँ भी हमको लगेगा, बुरहानपुर, असीरगढ़, वो सारी जगह हम जाएंगे। और सबसे यूनिक बात इस ट्रिप की है, इस ट्रिप में हम कहीं होटल वगैरह लेके नहीं रुकेंगे, करेंगे नाइट कैंपिंग। तो वो भी आपको कैंपिंग का एक अलग से वीडियो डालूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोड ट्रिप। बहुत ही अच्छा रास्ता, पेड़ों से घिरा हुआ। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी चाय पीने रुके मांडव से, मतलब मांडव पहुंच ही गए। देख कितने गजब, मतलब कितने गजब तरीके से चाय बना रहे, चरखा चला रहे। वैसे अब जाएंगे ऊपर। तो दोस्तों मांडव बस मतलब पहुंच ही गए, आप देख सकते हैं मांडव पहुंचने के पहले, थोड़ी दूर पहले आपको एक बहुत ही बढ़िया मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। पूरी खाई, आप सोच सकते हो अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश के बाद यहाँ पे आने आओ तो ये पूरा ग्रीनरी आप देख के, आपका पूरी ग्रीनरी मन मोह लेगी। ये देखिए चारों तरफ पानी के झरने गिरते आप देख सकते हैं, पूरे निशान बने हुए। ये देखिए पहले यहाँ पे आलमगीर दरवाजा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही ज्यादा पतली नैरो रास्ता है। ये देखिए एक बार अगर आप पटक गए, दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती। ये देखिए देखिए खेती भी चल रही, और यह आता हमारा दूसरा दरवाजा, यह है भंगी दरवाजा। आप सोच सकते हो क्या सिक्योरिटी रहती होगी जब राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे, इतने सारे दरवाजे और उस पर पहरेदार रहते थे। और ये ऊंचाई पे है तो दूर से ही पता चल जाता कि कोई सेना आ रही है, तो इसलिए बहुत समय तक ये अजय रहा था। ये देखिए एक महल यहाँ पे भी, ये देखिए इस साइड पूरी खाई है, एक दरवाजा उधर भी पीछे साइड में, अब ये नया रास्ता बन चुका है। ये है कमानी दरवाजा। ये आ गया गाड़ी दरवाजा। तो अब आ गए हैं हम पूरे मांडव में, एंटर कर चुके। तो दोस्तों मांडव पहुंच गए। अब मांडव में हम घूमेंगे, जैसे नीलकंठ महादेव, जामा मस्जिद हो गया, जहाज महल हो गया, रानी रूपमती का महल, पाँच बहादुर का महल। अगर आपको मांडव का पूरा वीडियो देखना है तो अलग से मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है वन डे टूर प्लान के, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि आप मांडव में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, जो मांडव की बेस्ट लोकेशन है वहाँ वहाँ आप कवर कर सकते हो। हमने जो घुमा था अभी, जैसे आप देख सकते हैं ये जहाज महल का वीडियो है, जहाज महल घुमा था, रानी रूपमती का महल घुमा था, बाज बहादुर महल घुमा था, तो ये सारी जगह आप कवर कर सकते हो। वो वीडियो ज़रूर देखें अगर आप मांडव जा रहे हैं, बहुत काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और आज जो नाइट स्टे करने वाले हम यहाँ पर ही करेंगे, और अलग से कोई एक होटल नहीं रहेंगे, ओपन कार में नाइट स्टे करेंगे, खाना भी बाहर बनाएंगे।
मैंने एक अलग से नाइट कैंपिंग का वीडियो भी डाला है कि आप मांडव में कौन से लोकेशन पर नाइट कैंपिंग कर सकते हो, तो वो भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों मांडव आए थे, जैसा कि आपको पता है आप कर रहे हैं नाइट कैंपिंग यहाँ पे मांडव में, बहुत ही अच्छी लोकेशन हमको मिल गई है। ये देख सकते हैं पूरी पीछे खाई है, अंधेरे के कारण हो सकता है नहीं दिखे, मॉर्निंग में आपको उठते से बताएंगे पूरी की लोकेशन कैसी है। दोस्तों यहाँ पे कर रही थी नाइट कैंपिंग, इस साइड ही अपनी गाड़ी खड़ी है और इधर हमें पूरी खाई है इधर, तो नाइट रुक लिए हैं। अब चले चलते हैं महेश्वर की ओर, बढ़ाते हैं रोड ट्रिप का नेक्स्ट लोकेशन। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया, अभी निकल रहे हैं हम मांडव से महेश्वर के लिए। बहुत ही अच्छी रोड है और मॉर्निंग में निकल रहे हैं तो काफ़ी ठंडा मौसम है। महेश्वर पहुंचेंगे, पहले वहां पे नर्मदा नदी में स्नान करेंगे, उसके बाद आगे का प्लान बताते हैं। जब तक आप पूरी रोड का आनंद लीजिए। अच्छा रास्ता आपने अभी देख ही रहे, सचिन भाई अपने काम में व्यस्त है, आनंद दे रहे पूरे रास्ते का। तो बहुत ही मजा आया रात में रुकने में। अगर राइट में मांडव में नाइट कैंपिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। हमारी जो लोकेशन थी नीलकंठ महादेव इन, वहाँ पे थी आसपास उसके, तो आप कहीं भी वहाँ पे लोकल जाने से पूछ सकते हो कि कहाँ पे नाइट कैंपिंग करी जा सकती है। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लोकेशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। रात में आपको इतनी नहीं दिखी पर मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाई कितनी अच्छी लोकेशन थी। तो चलिए मजे लेते हैं रोड ट्रिप के। तो रोड ट्रिप में ऐसी जगह मिल जाए तो क्या ही कहने। खाना बनाएंगे क्या, गरम करेंगे, दाल चावल रह गए थे। ये देखिए लोकेशन देखिए, चलिए मैं आपको बैक कैमरा पूरी लोकेशन दिखाता हूँ कहाँ पर अभी हम खड़े हैं। दोस्तों नाश्ता देखिए, दाल चावल, सुंदरनी चावल, और ये पूरा के बीच में सचिन भाई आ गए, बलि भाई भी आ गए। तो दोस्तों हम तो नहा लिए, अब गाड़ी को भी नहला देते, बढ़िया नर्मदा में स्नान कराते, गाड़ी को धो लेते आराम से। रोड ट्रिप में गाड़ी धोने का भी मजा लेते रहना चाहिए, गाड़ी भी धो रहे। गंदी हो गई थी बहुत, तो सोचा गाड़ी धो लेते। बोनट पे डाला। दोस्तों मैगी बनाई जा रही है, देख सकते हो महेश्वर में बस पूछे हैं, रुके हैं।
माहेश्वर में मैगी। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी कुछ दिनों में मैं डालूंगा, और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं। इसके बाद हम जाने वाले ओमकारेश्वर, उसका भी पूरा वीडियो डालूंगा आपके सामने। नाइट में ओमकारेश्वर को पूरा आप कहाँ से देख सकते हैं वो लोकेशन भी बताऊँगा, और उसके बाद जाएंगे असीरगढ़, बुरहानपुर। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और ये वीडियो भी पूरा देखें। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी क्लिपें मैंने भी डाली है, देख सकते हैं आप असीरगढ़ का पूरा, असीरगढ़ के टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं उस पर पूरे ड्राइविंग का वीडियो डालूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।